चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देते हुए भारत ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान में जोधपुर वायुसेना बेस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और इसमें इन्होंने 4 हेलीकॉप्टर को देश को समर्पित किया। इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की युद्ध क्षमता और बढ़ी है। यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में भारतीय जवानों को और मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही यह धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों से निपटने में वायुसेना की मदद करेगा। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी मदद से आज हमारी वायुसेना को यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिला है। अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर के बारे में, तो इस मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल को भी विशेष गति देता है। इसको अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों जैसे कि कम दृश्य IR साइन, बेहतर रडार कनेक्टिविटी और क्रैश योग्यता सुविधाओं से लैस किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके निर्माण के लिए ग्लास कॉकपिट, मिश्रित एयरफ्रेम संरचनाओं जैसी कई प्रमुख विमानन टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण किया गया है। साथ ही भविष्य की इस श्रृंखला के उत्पादन संस्करण में और आधुनिक और स्वदेशी प्रणालियां शामिल होंगी। इस 5.8 टन के 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का पहले ही विभिन्न हथियारों से फायरिंग परीक्षण पूरा कर लिया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो यह हेलीकॉप्टर धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन का सामना करने और उन्हें मार गिराने में भी सक्षम है। साथ ही बख्तरबंद वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने में सक्षम है। यह मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हथियारों और ईंधन के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई से उतर और उड़ान भर सकता है। यह किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में उड़ान भरने में सक्षम है। यह कॉम्बैट हेलीकॉप्टर धीमी गति से चलने वाले विमानों और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और हाई एल्टीट्यूड वाले बंकर बस्टिंग ऑपरेशन को भी अंजाम देने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित फ्लेक्सिबिलिटी, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, उच्च ऊंचाई प्रदर्शन के साथ 24 घंटे उड़ान भर सकता है। यह कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, दुश्मन वायु रक्षा के विनाश की भूमिका निभाने में भी सक्षम है। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया है। सुरक्षा संबंधी समिति का ये निर्णय था और 30 मार्च 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक में इसके विकास को मंजूरी दी गई थी। CCS ने इसके लिए 3,887 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस बैठक में वायुसेना और सेना के लिए 15 LCH की खरीद को मंजूरी दी गई थी। इन 15 विमानों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 सेना के लिए हैं। भारतीय वायुसेना ने पिछले 3-4 वर्षों में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनुक हेलीकॉप्टर और अब LCH को शामिल करने के साथ कई हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है। IAF अब चिनुक हेलीकॉप्टरों में महिला पायलटों को भी तैनात कर रहा है, जो उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नियमित आपूर्ति मिशन को पूरा कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल की अगर हम बात करें, तो इसके निर्माण से भारत के आत्मनिर्भर पहल को भी मजबूती मिली है। इस तरह के प्रयासों से देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को और बल मिलेगा। साथ ही देश में युद्धक हेलीकॉप्टरों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से ही आयात प्रतिबंध सूची में है। इस तरह की पहल से देश की रक्षा निर्यात क्षमता में भी
मजबूती होगी। इसके साथ ही इस टॉपिक पर हम आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।